हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान वाटर ब्रीथिंग क्या होता है। बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज को ये जानने की उत्सुकता होती है। वैसे जैसा आपने फिल्मों या फिर टेलीविजन पर देखा होता है, ये इतना भी नाटकीय नहीं होता। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको कैसा महसूस होता है और आपको क्या करना चाहिए। दरअसल जब आपका बेबी गर्भ में होता है तो उसके आसपास एमनियोटिक सैक में एक तरल पदार्थ होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा के लिए होता है। एमनियोटिक सैक के टूटने के बाद उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड का वजाइना से लीक होने को ही वाटर ब्रेक कहते हैं। वाटर ब्रेक होना सबसे पहला साइन है कि आप लेबर में हो और अब किसी भी टाइम आपकी डिलीवरी हो सकती है। प्रेगनेंसी में वाटर ब्रेक या तो लेबर से पहले या फिर लेबर के दौरान हो सकता है। कई केसेस में एमनियोटिक सैक अपने आप रप्चर नहीं होता है और फिर इसे डॉक्टर्स ही इंड्यूस करते हैं। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब प्रेगनेंसी 41 वीक से ऊपर चली गई हो। बहुत सी लेडीज को वाटर ब्रेक, वजाइनल डिस्चार्ज और यूरिन के बीच में एक कंफ्यूजन हो जाता है। आमतौर पर वजाइनल डिस्चार्ज काफी थिक कंसिस्टेंसी में और मिल्की व्हाइट होता है। वाटर ब्रेक का जो फ्लूइड होता है ये बिल्कुल पानी जैसा होता है लेकिन हल्का पेल कलर का। इसमें यूरिन जैसी कोई स्मेल नहीं होती है। ऐसी स्थिति दिन या रात में कभी भी हो सकती है। इस स्थिति में सबसे पहले आप एक सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें। ये एकदम से फ्लड की तरह नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे लीक होता है। बार बार यूरिन पास करने के बावजूद भी अगर आपका अंडरवेयर काफी नम हो गया है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वाटर ब्रेक होने के बाद अगर आपको लेबर पेन्स शुरू नहीं हुए हैं तो आपके डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल पेन्स देकर डिलीवरी कर सकते हैं। ऐसा ना करने से बच्चे में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में लगभग 39 वीक्स तक वाटर ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर इससे पहले हो जाता है तो उसे प्रॉम यानी प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं। होने वाले बेबी को हर इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स या फिर स्टेरॉइड्स देते हैं। क्रैम्प्स, आपको अपने टमी में क्रैम्प्स महसूस होंगे ठीक वैसे ही जैसे पीरियड्स आने से पहले होता था। हालांकि ये असल कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है लेकिन ऐसे साइन मिलने पर अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें कि आप किसी भी वक्त वाटर ब्रेक हो सकता है। द ब्लडी शो, आपकी ईडीडी यानी एस्टिमेटेड ड्यू डेट से पहले आपका म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हो जाता है। ये हल्का पिंकिश या ब्राउन डिस्चार्ज होता है। ऐसी स्थिति में घबराए नहीं क्योंकि म्यूकस प्लग डिस्चार्ज और वाटर ब्रेक साथ साथ ही होता है। कई बार म्यूकस प्लग पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है और वाटर ब्रेक बाद में होता है। वॉशरूम ट्रिप्स, आपके लेवर के आसपास आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिंस रिलीज होता है जिसकी वजह से आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। ये एक साइन है कि अब किसी भी वक्त आपका वाटर ब्रेक हो सकता है। इन्फेक्शंस, अगर किसी प्रकार की इन्फेक्शन आपके सर्विक्स, वजाइना, किडनी या फिर ब्लैडर में है तो आपका वाटर ब्रेक हो सकता है और ये बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है। पॉपिंग साउंड, वाटर ब्रेक होने से पहले कुछ लेडीज को एमनियोटिक सैक पर प्रेशर महसूस होता है तो कईयों को पॉपिंग साउंड सुनाई देती है। इसके बाद आपके वजाइना से हल्का गर्म तरल पदार्थ निकलने लगता है। टिकलिंग सेंसेशन, वाटर ब्रेक होने के बाद आपको अपने वजाइना से तरल पदार्थ के छलकने की अनुभूति होगी। कई बार एमनियोटिक फ्लूइड बहुत धीरे ही निकलता है और इसे आप यूरिन समझ लेते हैं। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हैंड वाटर ब्रेकिंग, कई बार एक्चुअल वाटर ब्रेक होने से पहले एमनियोटिक सैक में एक छोटा सा होल हो जाता है बिल्कुल बेबी के हेड के पीछे। ये थोड़ा रुक रुक के आता है और फिर अपने आप बंद हो जाता है। जब सैक में होने वाले मेम्ब्रेन्स के दो लेयर्स आपस में सील होकर उस होल को बंद कर देते हैं तो हाइंड वाटर अपने आप बंद हो जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हमें बताएं। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।